ना वैसे आज के वीडियो में डालना नहीं चाह रहा था। आप लोगों ने प्री वर्कआउट देखे होंगे जिनमें कि आपको डब्बे में पाउडर मिलता है, बट इसमें कस्टमरों की लाइन लगी है सुबह सुबह भयंकर 5 बजे। आज है संडे और मोटो जी जा रही हैं कॉलेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ये चेक करें आप। अब आप सोच रहे होंगे मैं टाइम क्यों दिखा रहा हूँ, 8:30 बज चुके हैं और मैं उठ गया हूँ, वो भी संडे को। बहुत बड़ी बात है, मैं उठ तो 7 बजे गया था, संडे को जल्दी उठ गया। इसका कारण बस एक ही हो सकता है कि मैं राइड पे जाऊं, बट आज मैं राइड पे नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं और ही जा रहा हूं, दिखाता हूं। तो ये चेक करें आप, कितना टाइम लगेगा अभी? 10 मिनट। आज है संडे और मोटो जी जा रही हैं कॉलेज, समझ रहे हो? तो आज है उनका प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कराने लेके जा रहे हैं हम, तो मैं छोड़ के आ जाऊंगा, पास में ही कॉलेज है। जल्दी चलो फटाफट से, कहां बोल रही थी कल के 8:30 बजे पहुंचना है, आज 8:30 ही बज गए। ओ भाई, स्कूटी तो बहुत ज्यादा होश हो गई है, एक तो इसका लॉक वॉक सब टूट गया। जल्दी आ जाओ यार, 1 लीटर में 80 किलोमीटर। इतनी ज्यादा धूप में निकलने की आदत नहीं है मुझे, जब जिम जाता हूँ तो जल्दी चले जाता हूँ, और संडे वाले दिन मैं उठता इतना लेट हूँ कि आधी दोपहर तो वैसे हो जाती है। आते तो हो तो आने में बात अलग है ना, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कहाँ जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत दिन से राइड पे गया नहीं। राइड मतलब दून वैली तक राइड हो रही है मेरी। फोन कर देना जल्दी जैसे खत्म होगा। A few moments later. 10:10 हो गए हैं और मैं मोटो जी को लेने जा रहा हूँ दोबारा से, उनका कॉल आ गया है। एग्जामिनर अभी आया नहीं है, शायद 10:30-11 बजे तक आएगा, तो मैं उन्हें फिर से छोड़ने जाऊँगा। क्या यार, पहले बोल दिया 8:30 बजे, अब 10:30-11 बजे हो गया। हो गया, यही करते रहूँगा मैं। पास में कॉलेज है तो ये फायदा कि चलो आ जाओ चले जाओ, दूर होता तो बैठे रहते यहीं पे। और 3 hours later. तो गाइस, 1 बज चुका है और मैंने मोटो जी को छोड़ दिया है उनके कॉलेज, तो अभी अभी मैं जा रहा हूँ सिटी, कुछ ज़रूरी काम है उसे निपटा के आता हूँ। 8:30 बजे का कॉलेज वालों ने टाइम दिया था प्रैक्टिकल का, और लगभग 1 बजे उनका एग्जामिनर आया है प्रैक्टिकल लेने के लिए। पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, बट चलो मेरे को ज़रूरी काम था उसे निपटा के आता हूँ, जब तक उनका प्रैक्टिकल कम्प्लीट हो जाएगा फिर उन्हें लेके मैं घर चले जाऊँगा। 150 का कर दो, जो देख लिया भाई। चेक करो इसमें पंचर है, पता नहीं क्या रोज का हो गया है। मिश्रा जी सामने, हाजी साहब क्या हाल चाल? मेरा काम यही है वीडियो बनाने का, लाइव रिकॉर्डिंग करने का। तो गाइस, यही वो सामान है जो मुझे लेके आना था, ये सामान अपनी सप्लीमेंट शॉप का है। बाइक से लेके आता ना तो भाई साहब इतना सामान आ भी नहीं पाता है, इसीलिए मुझे आज स्कूटी लेके जानी पड़ी। द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2रा दिन और अभी भी मैं निकल रहा हूँ बस जिम के लिए, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। 6 बजे हैं अभी और मैं निकल रहा हूँ जल्दी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैं आजकल बहुत ज़्यादा लेट जा रहा था जिम, तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा थोड़ा करके और ज़्यादा आलसी होते जाऊँ और ज़्यादा लेट जाने का अपना शेड्यूल बनते जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके और जल्दी जाने की, क्योंकि सर्दियों में ना उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज ठीक 6 बजे मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं अच्छी खासी, अब तो ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में ना कार चलाने का नंबर आने वाला है अपना। तो बाइक का चल रहा है इधर वार्म अप, लेट्स गो। भाई साहब दुर्गा मंदिर तक तो रोड बढ़िया बन चुकी है, बस हमारे घर के सामने वाली और बन जाए। कस्टमरों की लाइन लगी है सुबह सुबह भयंकर 5 बजे ही। प्रोटीन महंगे हो गए, तुम गिनर खा लो, अब सस्ती चीज खाओ। तो गाइज मैंने अपना प्री वर्कआउट पी लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। पहले मैंने बोला था बताऊंगा, पर उस दिन कुछ बसड़ फैल गई थी, तो
तुम्हें बता नहीं पाया था, तो मैं अभी आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। सो गाइस, ये है साइट्रॉन का प्री वर्कआउट। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मिलता है 3.2 ग्राम बीटा एलानाइन, 1.5 ग्राम एल आर्जिनाइन भी मिल जाता है और 300 mg कैफीन भी मिल जाती है। और ये प्री वर्कआउट थोड़ा सा अलग है, आप लोगों ने प्री वर्कआउट देखे होंगे जिनमें कि आपको डब्बे में पाउडर मिलता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर निकलते हैं 30 सेसिस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं इसे यूज कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। ये देखो, इतने सारे सेसिस मैंने यूज कर लिए हैं, जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था ना, मैं जब से इसे यूज कर रहा हूँ तो इतने में यूज कर चुका हूँ। तो इसके अंदर इस तरह के सेसिस निकलते हैं, तो कैरी करने में बहुत ज़्यादा आसान है। आप कहीं पर जा रहे हो तो आप एक सेसिस लेके जा सकते हो, या फिर आप जिम जा रहे हो, घर से लेके चले जाओ और वहाँ जाके पी लो। MPN वालों का है, जिसके ऊपर स्क्रैच कोड भी है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये 2500 रुपये MRP में आता है और लगभग 1300 रुपये का ये मार्केट में मिल जाता है। अगर आप में से किसी को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, दे देंगे, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट लगा मेरे को, इचिंग इतना नहीं करता है, लगभग 2 घंटे तक आपकी बॉडी को डाउन नहीं होने देगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। एक बार यूज़ करके देखो जिसे एक अच्छा प्री वर्कआउट चाहिए। गाइस, आज का मेरा आर्म्स का वर्कआउट था कंप्लीट हो गया, काफी मजा आया। उसके बाद थोड़ी बोडिंग पी के इंस्टाग्राम पे लाइव भी आया था मैं। तो मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मैं 9:15 बजे करीब इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहता हूँ कभी कभी, तो उसकी अपडेट मैं पहले अपनी स्टोरी में डाल देता हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई सवाल जवाब, थोड़ी बातचीत करनी हो, तो आप लोग 9:15 बजे सुबह के टाइम में इंस्टाग्राम पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं मेरी स्टोरी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव आया हूँ। तो अभी चलता हूँ मैं घर फटाफट से, क्योंकि डाइट वाइट लेनी है, बाकी थोड़ा बहुत मार्केट का काम है वो निपटा लेते हैं, चलते हैं घर फटाफट से। अरे आएगी, अभी आएगी 2 घंटे बाद। एक अनार का जूस पैक कर दो, नमक डाल देना, ठीक है? ठीक है, 190 कर दो। धनिया, मिर्च और मेथी बताओ कहाँ है, बाहर है? यही है ना? हाँ जी, ये मेथी एक ही दे दो फिर। कितना हुआ? 40। बस यही है असली समस्या, एक वहाँ टंगा लिया, एक यहाँ रख लिया, एक बैग में रख लिया। तो गाइज, ये है अपना पोस्ट वर्कआउट मील, ऑमलेट है 4 अंडे की, तो ये खा लेता हूँ फिलहाल। तो गाइज, अपनी जो YouTube फैमिली है ना, उसमें 3 तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो बाइक्स को पसंद करते हैं, बाइक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ फिटनेस से रिलेटेड और कुछ ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं तीनों तरह की वीडियो बनाता हूँ मिक्स करके, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, परसों मैंने जब बाइक के ऊपर वीडियो डाली थी, मतलब जट प्रभजोत भाई के ऊपर वीडियो डाली थी, तो उस पर जो व्यूज़ आए थे ना, वो मैं समझ गया था ये केवल जो बाइक से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने देखे हैं। कल मैंने पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज की वीडियो डाली कि आप जिम में पहले दिन में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिगनर हैं या जिम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो उसी तरह के लोगों ने वीडियो देखी। और जो ब्लॉग्स आते हैं उन पर अलग तरह के व्यू आते हैं। तो मतलब अपनी ऑडियंस 3 तरह की है, तो मैं 3 तरह के ही कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि अलग अलग ऐसा तो नहीं है कि मैं चैनल बना लूं। और ये तीनों चीज़ें मुझे पसंद हैं, मतलब फिटनेस, बाइक्स, लाइफस्टाइल, जो अपनी जो दिन की पूरी है वो मैं दिखाता हूं। ये मेरे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो मैं यही चीज़ दिखाता हूं। तो मतलब मेरे कहने का इतना सा है, आप 3 तरह की जो ऑडियंस है मेरी, 3 तरह के लोग जो है ना, वो अपने चैनल को पूरा सपोर्ट दें, प्यार दें, हर तरह की वीडियो देखो भाई, मजा आता है, हर चीज की नॉलेज रहनी चाहिए। बस आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वैसे आज के वीडियो में डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे अपने आप में कुछ मतलब खास नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा डालूं नहीं डालूं, बट मैंने कि चलो डाल दो, कोई बात नहीं, अब क्या करूं, जो लाइफस्टाइल है वही दिखाऊंगा ना। हर वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट तो नहीं हो सकता ना, कहीं मतलब बाहर जाना नहीं हुआ, कल संडे था तो घर के काम वाम बस ऐसे थे। तो चलो बढ़िया है, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।